का टाइटल है 18197, अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो इस मुरली में बाबा ने विशेष करके बच्चों के लिए बाबा का बहुत प्यार अनुभव हो रहा है और बाबा बच्चों को हर प्रकार से उमंग उत्साह बच्चों का बढ़ा रहे हैं। और कैसे हम अपने सूरज से बाबा की सीरत को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इस बारे में बाबा ने बहुत डिटेल बताया हुआ है। और कैसे हमें बाबा के समान रहम दिल बनना है, मास्टर दयालु मास्टर मर्सीफुल बनना है, इस पर भी बाबा ने अच्छे से हमें बताया हुआ है। तो पढ़ते हैं आज की मुरली। आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं, एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है ना, देखो बाबा को सारे बच्चे प्रिय लगते हैं ना। तो आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का सेवा का गुणगान करते हैं। टू वे प्रोसेस है, जैसे हम भी करते हैं तो बाबा भी हमारा गुणगान करता, विशेषताएं देखता और हम भी बाबा के देखते। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। बाबा ने यह हमें प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है क्या? तो ये भी हम प्रयोग कर सकते, बीच बीच में एकदम साइलेंस में बैठ के वो बाबा का आवाज सुनने की, हम बाबा का आवाज कैच करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो या मीठे मीठे उल्हने भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं और क्या गुण गाते हैं, वाह मेरे सिखी लधे लाडले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे वाह। तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि बाबा का ये आवाज हमारे कानों में गूंज रहा है। अंडरलाइन करते हैं, वाह मेरे सिकिलधे लाडले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं वह जानते हो? तो जैसे कि हमारे कानों में बाबा की शुभ आशाएं हमें सुनाई दे रही है। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। डबल अंडरलाइन करें इस महावाक्य को, जो भी हमें देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल में यह आवाज निकले,
हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है, ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिल में आवाज निकले कि मेरा बाप है, तब ही यह आवाज चारों ओर नगाड़े के मुआफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में भी यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारिया ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय व कार्य की नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता। इतने तक पहुंचे हैं, यह बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कार्य अच्छा है, ये तो हो गया है, लेकिन इस बात की स्पष्टता नहीं है कि बाप दादा या भगवान आया है। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी है कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। एक तो सहयोगी बन गए हैं, पहला कदम तो उठाया है, लेकिन दूसरा कदम जो है कि स्वयं भी बाबा से वो वर्षा ले, वो उमंग उत्साह उनमें आए, तो बाबा बोलते कि दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो फिर चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे, कौन सा बाजा बजेगा? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। तो जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करण करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाए। होने वाला ही है, हाँ, देखो ऐसे सारे बच्चे बाबा के झूम झूम कर करण करावनहार की महिमा गाएंगे। ऐसे बाबा बोलते होने वाला ही है। आपको भी यह नजारा आंखों के सामने दिल में दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। देखो बाबा कोई एक बच्चे का बाबा नहीं है, इसलिए बाबा के जो सारे बेहद के बच्चे हैं उनको सबको ही वर्षा लेना ही है। भले योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, अंडरलाइन करें। देखो बाबा को हम बच्चों को बेहद का वर्षा देने का ही है, ये देने का संकल्प भी बाबा को है और ये निश्चित होना ही है। ऐसे आप सबके दिल में
ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। नहीं, ये अंडरलाइन करें हम कि जैसे बाबा को सबको वर्षा देने का संकल्प है, क्या हम बच्चों को भी दिल से ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है क्या कि हमारे हर भाई बहन को ये बेहद के वर्षे के वो भी अधिकारी बन जाए। हम चेक कर सकते हैं। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप पे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो, रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए। मौज में रहो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। ऐसे नहीं कि हमें मिल गया, चलो हम तो अधिकारी बन गए। हाँ, लेकिन हमारी शुभ भावना होनी चाहिए कि हमारे भाई बहनों को भी ये वर्षा मिले। तो रहम दिल बाप के हम बच्चे हैं, तो हमें भी बेहद पर रहम करना है। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि हमें बाबा के समान रहम दिल बनना है। तो बाबा ने देखो विशेष हमें टाइटल्स दिए हैं अभी, मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। तीन टाइटल हमारे याद करें, मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बनो। इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप पे ही आएगा। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद पे ऊपर भी रहम करना होता है, लेकिन खुद के ऊपर रहम कब आएगा, जब हम औरों पर भी रहम करेंगे। तो ये तीन टाइटल आज बाय हार्ट कर लेंगे हैं, मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मास्टर मर्सीफुल। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, जानते हो? हाँ, अभी देखो बाबा को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना, ये अच्छा नहीं लगता। बाप कहते भी है, हे मेरे योगी बच्चे, देखो बाबा कितना प्यार से कह रहा है, ये मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे नहीं कहते हैं, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है, युद्ध करना? ऐसा है क्या योगी बच्चों का काम, बाबा पूछ रहे। युद्ध करना अच्छा लगता है, परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो, यह क्यों? बाप दादा कहते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है। देखो बाप दादा ने क्या नोट किया, बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज्यादा है। तो आज से क्या करेंगे, योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी बनेंगे? बाबा को जवाब देते हम लोग कि नहीं बाबा, हम तो योगी बनेंगे। ठीक है ना? तो बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी की, जनवरी भी बीत गई और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आवाहन कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। ना देखो बाबा क्या आवाहन करते, मेरे बच्चे समान बनकर वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता है, बाबा पूछ रहा है, कितना प्यार से पूछ रहा है ना। तो क्या युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो ना? देखो जैसे अपने पिता हक से बोलते हैं ना, तो ये पिता भी देखो कितना प्यार से हक से समझा रहा है कि आज से युद्ध करना बंद करो। हाँ, कर सकते हो? तो हम अंदर से जवाब दे, जी बाबा।
बोलो हाँ जी। अभी देखो बाबा बोल के भी ले रहे हैं आपसे, है कि हाँ जी बोलो करके। तो बोलो हाँ जी, तो हम सबने बोला हाँ जी। फिर वहां आकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरे की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें अपनी भी माया आती, कभी कभी दूसरों की माया को देखकर उसका असर हो जाता है हमारे ऊपर। यह क्यों, यह क्या, ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं, यह भी नहीं करना। एक तो बाबा ने युद्ध नहीं करना सिखाया, फिर अपनी भी माया और दूसरों की भी माया में नहीं आना है। तो माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, रुचि से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अंडरलाइन करें, आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, रुचि से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो न आपकी माया जाएगी न दूसरे की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 के कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह देते हो, आप कहेंगे 96 नहीं है, 97 है। ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे इन दोनों को विदाई दे दो। अंडरलाइन करें, दो बातों के लिए बाबा ने विदाई देने के लिए कहा है, क्यों क्या, ऐसे वैसे। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। डबल अंडरलाइन करें, जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। और जहां समर्थी समाप्त हुई, वहां माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सरकमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। फिर क्या बन जाते, योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना, पक्का प्रॉमिस किया। देखो फिर से बाबा ने प्रश्न पूछा है, माना इस मुरली के द्वारा बाबा हम बच्चों को योगी ही बच्चे हैं ऐसे बता रहा है कि हम योगी बच्चे हैं, योद्धे नहीं है, योद्धा नहीं बनना है। तो बाबा फिर से पक्का करा रहा है, पिछले बार बाबा ने बोला हाँ जी बोलो, हाँ तो हम बच्चों ने हाँ जी बोला था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अभी बाबा बोल रहे प्रॉमिस करो, तो अभी बाबा को हम प्रॉमिस करें, एक सेकंड में प्रॉमिस किया। या बाप दादा कहता है तो हाँ किया, प्रॉमिस किया, क्या बाबा ने कहा करके हमने हाँ किया, पक्का किया। देखो बाबा पक्का करा रहा है कि हमें युद्ध नहीं करना, योद्धे नहीं बनना। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा, शक्तियां क्या कहती है, होगा या नहीं, सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है। सबने हाँ जी किया, देखना टीवी में फोटो निकल रहा है। फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, करने वाला प्यार नहीं। देखो कितना गदगद हो रहा है कि भगवान का हम बच्चों से दिल का प्यार है, क्योंकि हम बच्चों ने मेरा बाबा दिल से कहा, माना और बाबा के इस मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो बाबा का हम बच्चों से दिल का प्यार है। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं, आज कहेंगे बाबा ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या करूं क्या नहीं करूं, आप ही मेरा संसार हो,
बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो, हम बच्चों के अंदर जब भूत आता है तो बाबा के पास वो फोटो भी है। देखो, एक यादगार भी भूतनाथ का है। बाबा का एक नाम है भूतनाथ, तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं। देखो बाबा को कितना हंसी आती होंगी इस समय। तो यह खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजित करे। लेकिन वे मुरझा मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। इतना वो भूत आ जाता है तो ऐसे कि बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते, तो वो बाबा संजीवनी बूटी से सुरजित करना चाहता है। लेकिन बच्चे जैसे कि संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है, ऐसे नहीं करना। सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे थे, क्योंकि आज के दिन को आप सभी स्मृति दिवस, समर्थ दिवस कहते हैं। तो ब्रह्मा बाप देख रहे थे कि कितने समर्थी दिवस बना चुके हैं। लेकिन समर्थी सदा काल की कहाँ तक आई है। अंडरलाइन करें, हम बच्चों के अंदर समर्थी कहाँ तक, सदा काल की समर्थी कहाँ तक आई है, क्योंकि स्मृति दिन तो बहुत मनाए। तो क्या देखा होगा, अभी की रिजल्ट अनुसार बाप की नॉलेज से नॉलेजफुल और माया के भी नॉलेजफुल, ऐसे नॉलेजफुल कितने निकले होंगे। माया की नॉलेज से भी नॉलेजफुल बनना पड़े, जो माया को दूर से ही पहचान ले, कैच कर ले कि आज कुछ पेपर होने वाला है, और पहले से ही समर्थ हो जाए। समाचार में क्या लिखते हैं, माया आई, मैंने भगाया, फिर भाग गई। लेकिन आई क्यों? माया को आने की छुट्टी दे दी है क्या, कि भले कभी कभी आया करो? यदि बिना छुट्टी कोई आता है तो उसको आने दिया जाता है क्या? माया पर रहम तो नहीं करते हो कि बिचारी आधा कल्प की साथी है? माया पर रहम नहीं करना, इतनी सारी आत्माओं पर तो रहम कर लो। तो रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर में 50-50 देखा। सिर्फ फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर 50। लेकिन बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है कि बच्चों को बाप के स्नेह से विजयी बन ही जाना है। बाबा को किस बात की खुशी है कि बच्चों को बाप के स्नेह से विजयी बन ही जाना है। अभी सभी के मस्तक पर विजय का तिलक ऐसा स्पष्ट दिखाई दे जो दूसरे भी अनुभव करे कि सचमुच यही विजयी रत्न है। तो हम सभी महसूस करें कि हमारे मस्तक पर विजय का तिलक स्पष्ट है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं स्वयं से संतुष्ट यह सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों का सर्टिफिकेट। यह 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट हैं, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है,
जितने ब्राह्मण संतुष्ट है उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। तो इस बात को भी हम डबल अंडरलाइन करते हैं कि ब्राह्मण परिवार में भी हम बच्चों से कितने सारे ब्राह्मण संतुष्ट हैं, ये भी हमें चेक करना है। तो सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, नहीं, बाप का परिवार से कितना प्यार है, हाँ, तो फॉलो फादर करो, हाँ, सिर्फ बाप से काम चल जाएगा ऐसे नहीं, इम्पोर्टेंट हमारा परिवार भी है, हाँ, तो बाबा का भी तो परिवार से प्यार है ना, तो बाबा ने बोला फॉलो फादर, हम बच्चों का भी पूरे परिवार से प्यार चाहिए। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल से रखते। और क्या, और सॉरी, और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से शुभ कामना से कैसे भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। अंडरलाइन करते हैं, प्यार कोई बाहों का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे, यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो ऐसे ही है, नहीं, अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो, किस से, सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। ऐसे नहीं कि किसी को आवश्यकता है फिर हम सिर्फ ज्ञान सुना रहे, नहीं, प्यार की भी आवश्यकता है। और प्यार का डेफिनेशन बाबा ने बताया पहले, तो सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता, यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ साथ शुभ भावना रहम दिल यह सहज काम करता है। देखो कितनी अच्छी विधि बाबा समझा रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा न हो हमारे मन में, उस आत्मा के लिए शुभ भावना रहम दिल की भावना हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाप का प्यार है, और प्यार से गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर, बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है, आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती है। इस बात को भी अंडरलाइन करो, कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हम बाबा के पास पहुंच जाती है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। अभी अपने पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा योद्धा नहीं बोलो, योगी बनो और हाजी का पाठ बोलो। बजाओ ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा यही चाहते हैं, मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से यानी ब्रह्मा बाप समान बाप की सीरत दिखाई दे। साकार ब्रह्मा बाप के समय मधुबन बाबा मिलन जाने वाली आत्माओं को ब्रह्मा बाबा की दृष्टि यानी एक ही नजर में चुंबक जैसे खींच लेती थी। वे खुद को भूल जाते थे। बाबा कहते वैसे अभी हर एक आत्मा को आप में बाप दिखाई दे, तभी ही समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से आवाज निकले मेरा बाबा आ गया, परमपिता परमात्मा मेरा बाप है। यह आवाज चारों ओर नगाड़े के माफिक गुंजेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा दादा ने कहा है कि ऐसे आज क्यों क्या ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दो, क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और बैस का खाता आरंभ हुआ, और जब बैस का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि आप 100 पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से वृत्ति से सुभावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा को बच्चों की ये बात अच्छी नहीं लगती, बच्चों का मेहनत करना और बच्चों का युद्ध करना, बार बार युद्ध करना। तो बाबा ने कहा कि आप योगी योद्धे नहीं हो, आप योगी बच्चे हो, इसलिए योग से इसे भगाओ। माया कभी कभी अपनी माया आती है और कभी कभी दूसरों की माया भी आती है, तो उसमें क्या आप 100 पुरुषार्थ से और तीव्र पुरुषार्थ से आप खुद की माया को भगा सकते हो, और आपसे आपके 100 पुरुषार्थ से दूसरे की माया भी सहज भाग जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। इसी की कंटिन्यूशन में बाबा ने हमें रहम दिल बनने को बोला कि रहम दिल बनो, दूसरों की माया को भगाने में रहम दिल बनना है। तो बाबा ने आज हमें टाइटल दिए मास्टर रहम दिल, मास्टर मर्सीफुल। तो बाबा ने कहा कि जब तुम दूसरों पर रहम करते हो तो तुम्हारा अपने ऊपर अपने आप ही रहम तुम्हारा अपने आप हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है? तो बाबा ने कहा कि जब तुम कोई टाइटल लेते हो, कोई सम्मान लेते हो, तो पहले उसकी एनर्जी मैं खुद लेती हूँ, वो एनर्जी मैं खुद में भरती हूँ, तब मैं अपने आप से जनरेट करती हूँ, तो तब मैं दूसरों को देती हूँ। तो वो रहम जो होगा वो पहले मैं अपने आप पे करूंगी, तब दूसरों पे रहम दिल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज हमें माया से सावधान करते हुए बोल रहे हैं कि क्या क्यों ये क्वेश्चंस में जाकर हम दूसरों की माया को भी अपने अंदर ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब नहीं करना, क्या क्यों ऐसे वैसे, 4 शब्दों से बाबा ने सावधान किया, इन 4 शब्द को विदाई दो, क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो व्यर्थ का खाता स्टार्ट हो जाता है और फिर समर्थी खत्म हो जाती है। तो समर्थी समाप्त होने से माया और भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंसेस से और हमें खींच लेती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ब्रह्म बाबा आज बोल रहे हैं ऐसे लगा, इतना खुशी हो रही है और प्रॉमिस भी दिया है बाबा को, स्वयं संतुष्ट, बाप बाप का भी संतुष्ट, परिवार का भी संतुष्ट, 3 सर्टिफिकेट दे दिया है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि भाई सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनानी है।
ऐसे नहीं समझो, हमारा तो बाबा से ही काम चल जाएगा। नहीं, बाबा का परिवार में कितना प्यार है, तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा को देखा, ऐसे कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल से रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। ओम शांति। ओम शांति। आज स्मृति दिवस, सुसमर्थ दिवस है, 18 जनवरी की बात है। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप में चेक करो कि समर्थी सदाकाल की कहाँ तक आई है, या फिर कैसे कैसे हमारे पूरे दिन के जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी दिनचर्या में कैसे कैसे लीकेज हो जाता है। तो इसमें बाबा ने एक तो ये बताया कि अगर सपोज जैसे सामने वाली आत्मा को भी कोई गुस्से में है, या फिर उसको गुस्सा देख के हम अपना स्वमान भूल जाते हैं और उसके इफेक्ट में अगर आ जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि माया से छुड़ाना ये बाप का काम नहीं है। तो इसमें क्या, अगर हम स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनेंगे और हमारी भाव उसके लिए गलत नहीं होगी, भाव से ही फिर वाइब्रेशन बनेंगे, वाइब्रेशन वही हमारी भाव से वृत्ति बनेगी, फिर हम शुभ भावना अगर उसके लिए रखेंगे तो वाइब्रेशन उस तक पहुंचेंगे, तो दूसरे की माया वो शांत हो जाएगा। तो इसी में बाबा कह रहे हैं कैसी भी आत्मा हो उसके लिए रहम दिल बनो, उसके लिए शुभ भावना अपने अंदर वृत्ति इमर्ज करो कि हाँ ये आत्मा पे रहम करना शुभ भावना उसके लिए हो, तो इससे वो आत्मा भी शांत हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माया को भगाने के लिए अलग अलग तरीके बताए हैं। एक तो बाबा ने बताया कि अगर शुभ भावना शुभ वृत्ति रखते हो आप अपने, तो आपकी तो भाग ही जाएगी माया और सामने वाले की भी स्वतः ही भाग जाएगी, तो शुभ भावना शुभ वृत्ति। दूसरा बाबा ने बताया कि व्यर्थ का खाता समाप्त करो, व्यर्थ का खाता समाप्त होने से समर्थी आ जाएगी और जहाँ समर्थी है फिर वहां माया रह नहीं सकती। फिर तीसरी बात बाबा ने बताई, माया को अगर भगाना है तो जैसे बाप की नॉलेज के नॉलेजफुल है वैसे ही माया की नॉलेज के भी नॉलेजफुल बनो। फिर चौथी बात बाबा ने बताई कि अगर आप रहम दिल बनते हो, तो जब आप रहम दिल बनते हो तो आपको खुद के लिए पहले रहम आएगा और फिर विशेष पुरुषार्थ आपको माया को भगाने के लिए करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही आप इजी हो जाओगे। तो ये चार बातें बाबा ने माया को भगाने के लिए बताया। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए भाई। बाबा ने बोला कि जी, ओम शांति। बाबा ने बोला कि जितनी ब्राह्मण आत्माएं हमसे संतुष्ट होंगी और हमें रिगार्ड देंगी, उतने ही हम पूज्य बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसी के लिए, इसी के आगे ना एक बहुत बड़ा रहस्य बाबा ने आज बताया है कि पहले हम भी सोचते थे, बाबा कहते हैं पूज्य बनो, पुण्य आत्मा बनो, तो आगे इसका हमें कैसे फल मिलेगा। तो इससे बाबा ने यहाँ एक बड़ी स्पष्टता किया है कि जिसका लाभ हमें पूरे 84 जन्मों तक मिलेगा, जब जब जड़ चित्रों की पूजा होती है, इट मीन्स टूडे आल्सो, तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। अब कई आत्माओं को मिलता नहीं कितना रिगार्ड, को इस जन्म में थोड़ी इतना कुछ किया होता है। तो ये बाबा ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया कि पूज्य आत्मा का पूरे 84 जन्म तक हमें लाभ मिलता है। और एक और बात बाबा ने पूरे प्रैक्टिकल बताई, मतलब कि लौकिक में, अलौकिक में, ऑफिस में, घर में, या मम्मा भी कहती थी शिक्षा के साथ शक्ति दो, यहाँ बाबा ने बताया सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार और शुभ भावना के कोई नहीं सुनता। यह है तो फिर आगे बताया कि शिक्षा काम नहीं करती, शिक्षा के साथ शुभ भावना रहम दिल का सहज काम करता है। इस तरीके से रियली हम अपनी लाइफ को बहुत इजी करते भी होंगे, कर भी सकते हो किसी से भी डीलिंग करने को। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। आज बाबा का कौन सा टाइटल आया है, विशेष अलग सा टाइटल आया है, किसी को याद है? ओम शांति। भूतनाथ जी।
शांति कोई लास्ट पॉइंट शेयर करेगा? ओम शांति, बाबा ने कहा कि माया आपको मूर्छित तो करती है पर इतने भी मूर्छित नहीं हो जाना है कि जो बाबा जब ट्राई करते हैं कि इनों के किसी के द्वारा किसी बाबा किसी को जैसे निमित्त बनाकर हमें संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करना चाहते हैं, पर बाबा कहते हैं आप इतने मूर्छित हो जाते हो जो वो भी फिटाइल हो जाती है वो भी काम नहीं करती, उसकी तरफ आप देखते ही नहीं हो। मैं निमित्त किसी को बनाकर भेजना चाहता हूँ तो बाबा कहते इतने भी मूर्छित नहीं हो जाओ, सारा होश नहीं गवाओ, ऐसे नहीं करना। थोड़ा भी अगर आप होश में रहेंगे, सोल कॉन्शियस में रहेंगे, बाबा से कनेक्शन होगा तो बच जाएंगे, तो बच्चे बने रहेंगे तो बच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा जितने ब्राह्मण संतुष्ट है उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। ओम शांति जी। अभी हम सभी थोड़ा बाबा ने कहा है कि प्यार की निशानी है अपने शुभ भावना से शुभ कामना से कैसे भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। ओम शांति जी। अभी हम सभी योग करते हैं 3 मिनट। आनंद बेन आप करें जी। ओम शांति। अपने आप को स्वयं के सत्य स्वरूप पर एकाग्र कर ले। और अनुभव कीजिए कि आप मास्टर रहमदील, मास्टर दयालु, मर्सीफुल आत्मा है। फील करें मुझ आत्मा के अंदर हर आत्मा के लिए रहम है। शुभ भावना है। अपने इस दयालु मर्सीफुल स्वरूप को ही मर्ज कीजिए। अनुभव कीजिए स्वयं भगवान भी मुझ आत्मा के गुणगान करते हैं। मेरी विशेषताओं को स्वयं भगवान भी रिस्पेक्ट करते हैं। अब ले चले अपने आप को 1 सेकंड में डायमंड हॉल की ओर और देखे अव्यक्त बाप दादा हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाप दादा का वो प्यार भरा वो खिला हुआ चेहरा देखे और अनुभव कीजिए कि स्वयं भगवान मुझ आत्मा को कितना प्यार करते हैं। फील कीजिए उस प्यार को। और अंदर कितना गदगद हो रहा है इसको भी महसूस कीजिए। बाबा की वो एक एक एक्शन को याद कीजिए जो अपने बच्चों के प्रति बाप दादा प्यार भरी दृष्टि से देखते। बाबा के वो स्वीट वर्ड्स को याद कीजिए। अनुभव कीजिए आपके कानों में बाबा की अव्यक्त आवाज गूंज रही है। बाबा बड़े प्यार से वाह मेरे सिखी लधे, वाह मेरे लाडले,
बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, वाह मेरे बच्चे। इस आवाज को सुनकर अब आत्मा बेहद खुशी में झूम रहे हैं। स्वयं भगवान का आपके प्रति ये जो प्यार है, उसे आप अनुभव कर पा रहे हैं। बाबा की प्यार भरी दृष्टि, बाबा के प्यार भरे बोल, बाबा का वो वरदानी चेहरा, वो वरदानी बोल, वो अव्यक्त वायुमंडल हम सभी अनुभव कर पा रहे हैं। अब महसूस कीजिए और बाबा से प्रॉमिस कीजिए, बाबा आज आपने हमें जो भी मुरली सुनाई, इस मुरली से जो आपने कहा कि योद्धा नहीं बनना है, योगी बनना है, बाबा हम दिल से प्रॉमिस करते कि हम योद्धा नहीं बनेंगे, पक्का योगी बनेंगे। आपका प्रॉमिस सुनकर बाबा भी बड़े प्यार से आपको वरदान देते, विजयी भव। और आप आत्मा अपने मस्तक पर विजय का तिलक अनुभव करते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो कल कंटिन्यू करेंगे हम बाकी बची हुई मुरली। थैंक यू एवरीवन। गुड डे। थैंक यू। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे।